हाय यूट्यूब फैमिली, मैं सोनी कुशवाहा सोनी जयचंद आपका स्वागत करती हूँ। आपसे पता हो आप सब कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रही हूँ मूंगफली की बर्फी, वो भी जो व्रत में आप खा सकते हैं। और आज है 1 अप्रैल, कल 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से नवरात्र चालू हो जाएगा, इसलिए मैं आज से मूंगफली का बर्फी बनाने स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये हमारा लगभग 1 केजी मूंगफली है जो मैं इसे भून लेंगे। ये देखिए, मैंने गैस को ऑन करके कढ़ाई को भी रख दिया, कढ़ाई गर्म हो गया और मैंने इसमें मूंगफली भी डाल दिया। और हम मूंगफली को हल्की मीडियम आंच पे इसको रोस्ट करेंगे। पहले मैं गैस को लो कर रही हूँ क्योंकि मेरा गैस हाई था, मैंने लो कर दिया। अब इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे। ये देखिए, हमारा मूंगफली रोस्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा और हम रोस्ट करेंगे। ये हमारा मूंगफली रोस्ट हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम भी, इसको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। इसको ऐसे ही हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरह से भून लेंगे। ये हमारा रोस्ट हो चुका है, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। ये मैंने कटोरी में निकाल लिया है। ये मेरा रहा मूंगफली जो रोस्ट हो चुका है, मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब इसको हम पूरा छिलका निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद छिलका अच्छी तरह से उतर जाएगा, तो इसको हम ठंडा होने दे रहे हैं। ऐसे कपड़े फैला लेंगे और इस ये मूंगफली सारा डाल देंगे और इस कपड़े के सहारे हम इसको ऐसे करके इसको हम छुड़ाएंगे। ये देखिए, छिलका एकदम उतर चुका है। अब इसको हम मिक्सर के जार में पीस लेंगे, एकदम बारीक, जार एकदम सूखा हो। अब ये हम बादाम और काजू भी पीस लेंगे एकदम बारीक। ये मेरा काजू और बादाम का एकदम मैंने पेस्ट कर लिया है और ये है मूंगफली का, इसमें ऑयल छोड़ दिया है तो ये ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये भी मैंने पीस लिया अच्छे से। ये मैंने कढ़ाई रख दिया गैस पे। ये मैंने चीनी डाल दिया और चीनी जितना डाला उसके आधा कप में पानी डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। ये मैंने डाल दिया काली मिर्च पाउडर। ये मेरा चाशनी बन के तैयार हो गया, देखिए कैसे निकल रहा है, तैयार हो गया। ये मैंने मूंगफली, काजू और बादाम का जो मैंने पीस के रखा था वो सब डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा मलाई। ये हमारा हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मैंने हॉर्लिक्स लिया है, इसको हम पीस लेंगे। ये मेरा पीस गया है, एकदम चॉकलेट फ्लेवर के जैसे लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। ये देखिए, मैंने जो बनाया था बर्फी जो मूंगफली का, उसमें से मैंने आटा ले लिया है और इसमें मैंने
बॉर्नविटा मिक्सर में पीस के इसमें मिक्स कर दिया है और ये कलर हो गया। अब इसको हम उसमें इसको ऐसे बना के बड़ा करेंगे। देखिए कितना तेल छोड़ रहा है, सब नारियल का तेल है, सॉरी मूंगफली का तेल है। इसको हम ऐसे कर देंगे, फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। हेलो, फिर इसको हम ऐसे राउंड करते करते चलेंगे। मालिश कर दी। अब इसको हम 2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे फ्रिज में ऐसे। ये हमारा बर्फी टाइट हो चुका है, अब इसे हम कट ही में सारे बर्फी कट कर लिए हैं ऐसे ऐसे। लीजिए कटिया, देखिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा मूँगफली का मिठाई आपको कैसा लगा, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते एंड बाय। आप अपना ख्याल रखना।